खबरें विस्तार से। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सेवानिवृत्त संग्रह सेवक में सुसाइड मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि बंदोबस्त अधिकारी बीएन उपाध्याय निलंबित कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ चकबंदी लेखक संदीप कुमार भी निलंबित किए गए हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी अनिल कुमार निलंबित कर दिए गए हैं। चकबंदी अधिकारी रविंद्रनाथ पांडे को भी निलंबित कर दिया गया है। प्रयागराज मंडलायुक्त के रिपोर्ट पर यह कार्रवाई देखने को मिली है और यह बड़े एक्शन देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि चकबंदियों को निलंबित किया गया है। इसके साथ साथ सेवानिवृत्त संग्रह सेवक के सुसाइड मामले में यह बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि बंदोबस्त अधिकारी बीएल उपाध्यक्ष निलंबित कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल मृतक स्वर्गीय रविकिरण के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो की प्रारंभिक छानबीन से वीडियो पुराना प्रतीत हो रहा है। वीडियो में जो तथ्य दर्शाए गए हैं वो पुराने प्रतीत हो रहे हैं, फिर भी वीडियो की सत्यता की जानकारी है तो प्रभारी निरीक्षक साइबर से व एसएचओ फागाकुंड। इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी अनूप तिवारी हमारे साथ मौजूद है। अनूप, इस खबर को लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? ये बड़ा फैसला पुलिस महकमे की ओर से लिया गया। तो फागा कोतवाली के पाई गांव में 3 दिन पहले रविकरण जो कर्मचारी थे सेवानिवृत्त, उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा करके आत्महत्या कर लिया था और इस मामले में एसडीएम खागा और जिला अधिकारी फतेहपुर के ऊपर ये आरोप लगाए गए थे कि जिला अधिकारी ने उनको जेल भेजने की धमकी दी है। इसके अलावा एसडीएम पर अभद्रता का आरोप था। इस मामले में उन्होंने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो भी बनाया था जो अब सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इस मामले में जब शासन ने गंभीरता से संज्ञान लिया और इसके बाद प्रयागराज मंडलायुक्त को जांच दी गई है, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर अब 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। अभी गहनता से जांच चल रही है। फतेहपुर के एडीएम अविनाश त्रिपाठी को जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और इसके बाद भी और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जी, वो जो वीडियो उनका लगातार वायरल हुआ था, उस वीडियो में किस तरीके की जानकारी वो देते हुए नजर आए थे? इसी के साथ साथ किन तमाम अधिकारियों पर उन्होंने आरोप लगाए थे? देखिए, खागा एसडीएम पर उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पैमाइश के लिए 4 साल से वो अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी को लेकर के 15 जून को जब समाधान दिवस में खागा गए थे रविकरण जी, तो उन्होंने एसडीएम खागा अतुल गंगवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ अभद्रता किया है। इसी मामले में उन्होंने कहा कि मैं जिला अधिकारी से मैंने शिकायत किया था। इसके बाद जिला अधिकारी ने कहा कि तुमको जेल भेज देंगे। इसी से क्षुब्ध होकर के उनके बेटे का कहना है कि आत्महत्या कर ली गई है और इसके बाद अब शासन कहीं ना कहीं इस प्रकरण को लेकर के गंभीर है और उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई है। अब देखना है कि अन्य अधिकारी जो कार्रवाई की रडार में है उन पर कब कार्रवाई होती है। जी, ये देखना तो दिलचस्प होगा कि ये कार्रवाई कब होती है, लेकिन जो उच्च कमेटी बनाई गई है उसमें कौन लोगों को शामिल किया गया है और कब तक इस पूरे मामले को लेकर के वो उच्च कमेटी जो है अपनी तफ्तीश बढ़ाएगी और अपनी रिपोर्ट सामने रखने वाली है? देखिए, फौरी तौर पर जिस तरीके इन 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, अब इसके बाद गहनता से जांच करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि अविनाश त्रिपाठी जो फतेहपुर के एडीएम है उनकी अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की है। इसमें और कई अधिकारी भी शामिल रहेंगे। वो एक एक बिंदु की जांच कर रहे हैं कि अधिकारियों ने इस मामले में कहां लापरवाही किया और ये जांच रिपोर्ट प्रयागराज मंडलायुक्त के थ्रू शासन पर जाएगी और उत्तर प्रदेश शासन इसके बाद इस मामले में कठोर कार्रवाई कर सकता है। जी, जैसे कि पूरा की पूरा सुसाइड का मामला सामने आया था, परिवारजनों का क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से तमाम अधिकारियों को निलंबित इस मामले को लेकर के किया है, घर वालों का क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से उन्होंने अपने एक परिवार का व्यक्ति खो दिया है, उन्होंने सुसाइड किया था, उनके घर वालों का क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर के सामने आ रही है? देखिए, जो मृतक के बेटे हैं उनका सीधे आरोप है खागा एसडीएम पर कि एसडीएम की अभद्रता से क्षुब्ध होकर के उनके पिता ने सुसाइड किया है। इसके पहले जो लाइव वीडियो वायरल हुआ है सुसाइड से पहले का रविकरण का, उन्होंने इस बात की भी बात कही।